लोकसभा चुनाव के इस महासमर में अब भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह भी उतर गए। नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गुंजन सिंह ने आज 28 मार्च नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने के लिए वह नवादा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गुंजन सिंह ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए, जनता के आदेश पर मैदान में उतरे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि घर का बेटा घर का नेता रहेगा। वहीं इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप भी साथ दिखे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर गुंजन सिंह ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब यहाँ की जनता को मैंने वादा किया था, इसलिए उनके भरोसे चुनावी मैदान में उतर रहे। विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाद में न तो केंद्रीय विद्यालय न ही मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बेहतर अस्पताल की सुविधा भी नहीं है। जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जाऊंगा, मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता साथ देगी। वहीं मनीष कश्यप ने कहा कि पिछले 20 साल के चुनाव को देख लीजिए, कितने गरीब के बेटे सांसद बने। बिहार का हाल सभी को पता है। गरीब का बेटा क्या लोकसभा में जाकर गरीबी पर बात नहीं कर सकता है? बड़े बड़े नेता का बेटे व्यापारी माफिया दलाल क्या सिर्फ ये ही नेता बन सकते हैं? गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकता। क्या बिहार में कोई पत्रकार नेता नहीं बन सकता? आइए उन्होंने गुंजन सिंह को समर्थन करने की अपील की। चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी अच्छे प्रत्याशी बुलाएंगे वहाँ प्रचार करने जाएंगे। का बेटा का जो मुद्दा था, सबका आदेश हुआ कि बेटा मैदान में जाओ, मैदान में आए हैं, सबका आशीर्वाद मिला। किस पार्टी से सर करेंगे ये बताइए। निर्दलीय है सर, आप भोजपुरी के सुपरस्टार माने, आपके साथ एक यूट्यूबर मनीष कश्यप भी है, आखिर उनको भी लेके आए, क्या संदेश देना चाहिए? ये मेरे भाई हैं, यूट्यूबर के अति से नहीं आए, दोनों का भाई का रिश्ता जी, और हम लोग आए हैं एक नए ऊर्जा के साथ। कैसा चुनौती रहेगा? दो दल है यहाँ, दल उल से हमको दिक्कत नहीं, हमको जनता हीरो है यहाँ का, जनता मेरा भगवान है और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आदेश दिया है सर कि बेटा जाओ गुंजन सिंह, वादा किए थे हम कि हम निभाएंगे, निभाने हम। किससे किससे चुनौती मिलेगा इस बार आपको? चुनौती के लिए हम क्या मुद्दा क्या मुद्दा क्या मुद्दा विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ। न केंद्रीय विद्यालय है, न मेडिकल कॉलेज है, न ही हॉस्पिटल अच्छा है, और सबसे बड़ा मुद्दा घर का बेटा घर का। भाजपा से आपको कितना मिलेगा, चूंकि आप भाजपा के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, कितना चुनौती मिलेगा उनसे? बहुत कोशिश किए हैं जी सबका, आप देखिए क्या होता है, समय का इंतजार करिए। मनीष जी आप बताएं, आपका आपका आप भी भाजपा के लिए कर रहे थे, इस बार आपका भी टिकट कटा है? देखिए मेरा टिकट नहीं कटा है, मैं वहाँ पे नहीं था। समस्या क्या है कि बिहार की सच्चाई आप सभी लोग जानते हैं, जितने मीडिया बंधु है वो सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2004 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2009 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2014 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2019 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना और 2024 में कितना गरीब का बेटा को टिकट मिला है। क्या गरीब का बेटा लोकसभा में बैठ के जो है गरीब का स्थिति के बारे में नहीं बात कर सकता है? क्या नेता खाली नेताओं के बेटा, बिजनेसमैन, बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े माफिया ही बनेंगे? क्या बिहार का गरीब का बेटा कोई नेता नहीं बनेगा? क्या बिहार का कोई पत्रकार नेता नहीं बनेगा? आप लोग पत्रकार है, ईमानदारी से बोलिए, आप लोगों से ज्यादा जानकारी किसी के पास है क्या? कहाँ ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार होता है, दाखिल खारिज के लिए कितना भ्रष्टाचार होता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, रोड जो है रजौली नवादा बख्तियारपुर रोड जो बन रहा है, मैं आज कह रहा हूँ कि वो रोड गिरेगा। सर आज नामांकन को लेकर बताइए, आज आप लोग इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और आप लोगों के सहारे जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे सर आप? जहाँ भी बिहार में कोई काबिल युवा या काबिल व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा और वो अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा, वहाँ वहाँ मनीष कश्यप पहुँचेगा और वहाँ वहाँ उन लोगों का समर्थन मैं मनीष कश्यप करूँगा। गुंजन सिंह के लिए क्या कहेंगे? गुंजन सिंह के लिए मैं यही कहूँगा कि ये एक शानदार व्यक्ति है, ये निभाना जानते हैं। मैं जब जेल में था तो पहले ऐसे व्यक्ति जो जेल के अंदर जाके मेरे से मिले, जेल के गेट पे जो झाल लगा रहता है, खिड़की लगा रहता है, अंदर से आप बात करते हैं और बाहर से ये, तो जब ये मिले तो मैं रो रहा था और ये भी रो रहे थे। मैंने बोला कि आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, आप मेरे सुख दुख में खड़े हैं, तो आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ।